अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अरवी बनाएंगे, सिंपल अरवी बनाएंगे। अरवी गोश्त भी बनता है, उसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले टमाटर का मसाला बनाएंगे, ऑयल डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, 4 टमाटरों का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद नाउ वी विल ऐड स्पाइसेस, जिसमें हल्दी आ जाएगी, रेड चिली पाउडर आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट आ जाएगा, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था। जिंजर पाउडर भी डालेंगे क्योंकि अरवी बादी ही होती है, तो उसकी डाइजेशन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम साइड पे अरवी को फ्राई करेंगे, जब तक ये टमाटर का पेस्ट पूरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा। अब हम ऑयल डालेंगे फ्राइंग पैन में, ज़ीरा डालेंगे, अरवी डालेंगे और अरवी को फ्राई करेंगे। उसके अंदर हम नमक डालेंगे क्योंकि अरवी फीकी होती है, तो उसमें थोड़ा सा नमकीन जायका आना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे। एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम जिंजर पाउडर भी डालेंगे आगे, क्योंकि जिंजर पाउडर जो होता है वो अरवी को डायरेक्ट एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। इसके बाद हम इसमें ओरिगेनो का पाउडर भी डालेंगे और अजवाइन कूट के भी डालेंगे। अजवाइन जो होती है वो भी अरवी को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है। मैंने अजवाइन की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद हम इसे पानी डालेंगे और अच्छे से इसको गलने देंगे। आप इसको लिड से कवर कर देंगे तो बेटर है, मैंने भी यही किया था। जब ये अच्छे से थोड़ा सा गल जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको टमाटर का मसाले को अच्छे से भून के उसका पानी, इसमें अब हम हींग डालेंगे टमाटर के। इसमें हींग जो होती है वो भी बहुत बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम इसको अच्छे से भून के पानी खुश करेंगे। पानी खुश करने के बाद हम इसके अंदर अरवी डालेंगे। अरवी डाल के अच्छे से फिर से भूनेंगे इसको। चिकन पाउडर भी डालेंगे, अभी हमने चिकन पाउडर डाला है। चिकन अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं स्टेप को। अब हमारी अरवी अच्छी खासी पक गई है। अब हम इसको उसके मसाले के अंदर डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल के इसको गलाएंगे। ग्रीन चिली डालेंगे ताकि पकते हुए इसकी अच्छी सी खुशबू निकल जाए। उसी दौरान हम थोड़ी देर बाद हरा धनिया भी डालेंगे ताकि उसकी भी अच्छे से फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद इट्स रेडी, आप लोग इसको इंजॉय करें, थोड़ा सा पका लें। अगर आप लोगों को लग रहा है अगर इसमें गुंजाइश बाकी है पकने की, देन कुक इट मोर। एंड इसको कुक करने के बाद हमने इसमें आखिर के अंदर, बिल्कुल एंड में, हमने इसमें गर्म मसाला डाल के थोड़ा सा, बिल्कुल अगर पकाना चाहते हैं तो पका लें, मैंने क्योंकि पकाया था। इसमें अब हम गरम मसाला डालेंगे, शुरू में नहीं डालेंगे वरना इसकी पूरी डिश का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।